दूसरा कलमा लूका 23 बाब 43 वर्स में लिखा है, उसने उसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। आप सबकी जोरदार तालियों में लेट्स वेलकम पास्टर पत्रस बशीर। हालेलुया। सब ताली बजाया करें, क्या हो गया? थैंक यू पास्टर, थैंक यू। खुदा यीशु मसीह की जिंदा जलाली बाबरकत और फतेहमंद नाम में आप सबको सलाम। अरे खुशी से बोले सलाम। जैसे पास्टर साहब ने कहा कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है, वो मुर्दा नहीं है, इसलिए हमें खुशी से ये दिन सेलिब्रेट करना है, ना कि गम से और ना आंसुओं से। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए मेरे साथ कलामे मुकद्दस में से देखेंगे, खुदावंद यीशु मसीह के जुबानी अकदस से अदा किया गया दूसरा कलमा, मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 23वां बाब और उसकी 43वीं आयत, जहां लिखा है, उसने उससे कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम को पढ़े और उसके सुने जाने पर, उस पर ईमान रखे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सब कहें आमीन। ये जो कलमा मुबारक खुदावंद यीशु मसीह ने कोहे कलवरी पर अदा किया, ये कलमा निजात है, निजात का कलमा। किस चीज से निजात? गुनाहों से निजात, जो सिर्फ मसीहों के लिए नहीं, सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम बशर के लिए गुनाहों से छुटकारा, रिहाई और निजात का कलमा। खुदावंद यीशु मसीह ने उस डाकू से क्या कहा? उसने उसे कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदा यीशु मसीह स्लीप पर दूसरे पहर में से गुजर रहे थे, जो कि 9 बजे से सुबह 9 बजे से तकरीबन 12 बजे का टाइम था। ये नहायत जानकारी का वक्त है। जानकारी का वक्त होता है, जानकारी का मतलब है कि मौत के लम्हात, अजियत, और ऐसी अजियत कि जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो। क्यों क्यों ऐसा है कि इतनी ज्यादा अजियत क्यों है? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के हाथों और पांव पर कील ठोके गए हैं, और जो बदन का सारा वजन है उनके हाथों और पांव पर है, उस पर खुदावंद यीशु मसीह लटक रहे हैं, जिसकी वजह से दर्द की शिद्दत इतनी ज्यादा है कि जो बयान से बाहर है। आज आप देखें कि लोग ऐसे ऐसे जवान होते हैं और इंजेक्शन लगाने से डरते हैं, इतनी पतली सी सुई लगाने से डरते हैं, और मेरे आका खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में इतने मोटे कील और पांव में जब कील ठोके गए हैं तो उनकी क्या हालत होगी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उस दर्द को, उस अजियत को बर्दाश्त कर रहे हैं, और ये स्लीपर लटके हुए तकरीबन उनको 2 घंटे गुजर चुके हैं, जिसका सारा वजन जैसे मैंने बताया हाथों और पांव के ऊपर है, और ये जो वक्त बनता है तकरीबन सुबह 11 बजे का वक्त है। कलमे का पस मंजर जो है, आका और दोनों डाकुओं को मसलूब हुए तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं। पहले कलमे के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने कोई दूसरी बात नहीं की कुछ देर के लिए, और जब हम मुकद्दस मत्ती सुल्क की अंजील का मुताला करते हैं 27वें बाब की 39वीं और 40वीं आयत, वहां लिखा है कि राह चलने वाले लोग जो वहां से गुजर रहे थे, जो ये सारा माजरा देख रहे थे, वो क्या कर रहे थे? खुदावंद यीशु मसीह पर लान तान कर रहे थे, उस पर लान तान कर रहे थे, उनके तमाम मौजजात को देखने के बावजूद उस पर लान तान कर रहे थे कि इसने औरों को बचाया, अपने आप को क्यों नहीं बचा लेता, और सर हलहल आकर उस पर लान तान कर रहे थे। और एक बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर तू खुदा का बेटा है, क्या कहा? कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को बचा, तूने दूसरों को बचाया, अपने आप को क्यों नहीं बचाता। यहां मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आप गौर करें तो अबलीस जो है ये आखिरी अपने वार कर रहा है। मेरे आका खुदावंद यीशु मसीह पर क्या कर रहा है? अपनी आखिरी कोशिश कर रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह जो वो मिशन लेकर आए थे, उन्होंने अपनी जान जो है फिदिया के तौर पर स्लीप पर कुर्बान करनी है, उसमें वो रुकावट डाल दे। जैसे उसके बाद बागे गतसमनी में भी खुदावंद यीशु मसीह को कोशिश की कि वो इस मिशन को रोक सके,
तो यहां वो डाकू के जरिए और बाकी दीगर लोगों के जरिए से भी वो कोशिश कर रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत जो है वो उसमें रुकावट डाल दे। लेकिन मेरे आका खुदावंद यीशु मसीह ने उसको अपने पांव के तले कुचल दिया और उसको उसको नाकामी का सामना करना पड़ा। फिर लोग सवाल करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह बदकारों के दरमियान, डाकू के दरमियान क्यों उसको मसलूब किया गया, क्या वजह थी? हम तो उसे खुदा मानते हैं और वो खुदा है भी है, लेकिन वो डाकुओं के दरमियान जो बदकार लोग थे उनके दरमियान क्यों उनको मसलूब किया गया? तो इसके लिए पाकलाम का हवाला है, मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफा, उसका 53 बाप और उसकी 12वीं आयत। ये मेरी बहन मेरे भाई, ये पेशगोई थी खुदा यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से पहले, बहुत साल पहले ये पेशन गोई की गई थी कि वो बदकारों के दरमियान गिना जाएगा। खता वो खताकारों के साथ शुमार किया गया तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफायत की। आज भी हमारा खुदा यीशु मसीह हम सब की शफायत करता है। शफायत कौन कर सकता है जो खुद गुनाहगार नहीं होता? गुनाहगार किसी गुनाहगार की शफायत नहीं कर सकता, शफायत वही कर सकता है जो खुद गुनाह से मुबर्रा हो। इस कलमे का जो अदद है वो है 2। इस कलमे का अदद क्या है? 2, जो गवाही को जाहिर करता है। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील 27:44 में लिखा है, जब लोग आका को लान तान कर रहे थे और ठट्ठे मार रहे थे और दोनों डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए थे उस पर लान तान कर रहे थे। क्या कर रहे थे? दोनों डाकू भी उस पर लान तान कर रहे हैं। लेकिन कुछ देर के बाद एक डाकू जो है उसने रियलाइज किया, उसने महसूस किया, वो उस दूसरे को मना करते हैं कि हम तो अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं लेकिन ये तो बेगुनाह है। यानी एक डाकू भी सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह के बेगुनाह होने की गवाही दे रहा है। क्या कर रहा है? खुदा यीशु मसीह को वो बेगुनाह करार दे रहा है। उसने कहा, लेकिन सदके जाऊं मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के, वो किसी को कुछ जवाब नहीं देते थे, उसको मार रहे हैं, ताने दे रहे हैं और थूक रहे हैं, उसके बाल नोच रहे हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आगे से कुछ जवाब नहीं देते। और देखे कुछ देर के बाद ये डाकू जो है इसने क्या किया कि अपने अपने गुनाहों का इकरार कर लेता है। कहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह नासरी, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसको पता है थोड़ी देर के बाद मैंने मर जाना है। ये डाकू जो है इसने मरते मरते अपनी जिंदगी को हासिल कर लिया है, लेकिन दूसरा वो अपनी इज्जत पे अड़ा हुआ है। आज भी बहुत सारे लोग खाबो बिस्तरे मर्ग पर पड़े हुए हैं लेकिन वो अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते, वो निजात नहीं हासिल करना चाहते, वो मस्त है, बोला हम बस ठीक है जैसी भी हमारी जिंदगी है। वो डाकू जो है जो ताने दे रहा है खुदा यीशु मसीह को, वो भी निजात पाना चाहता है। किस चीज से निजात पाना चाहता है? जो दुख उसको मिल रहा है, जो तकलीफ है, जो करब है, उससे निजात पाना चाहता है, लेकिन अवधि जिंदगी हासिल नहीं करना चाहता। दूसरा डाकू, देखिए दोनों का जो नजरिया है वो सेम है। दूसरा डाकू भी निजात चाहता है, वो भी खलासी चाहता है, लेकिन किससे? उसको तो पता है थोड़ी देर के बाद मैंने मर जाना है, लेकिन वो अपने गुनाहों से निजात चाहता है, वो अपनी जिंदगी चाहता है। और मेरे आका ने क्या कहा कि तू ये नहीं कहा कि कल परसों या एक साल के बाद, कब? आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। अब नाकदीन सवाल करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने यह कह तो दिया कि तू आज मेरे साथ फरदोस में होगा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह तो जमीन के नीचे के इलाका में गए थे कैदी रूहों में मुनादी करने के लिए, तो फिर कैसे खुदावंद ने कह दिया? तो बाइबल मुकद्दस में बात यह है कि 10 मिनट में इसको बहुत मुश्किल है डिस्क्राइब करना। एक जो कलमा खुदावंद यीशु मसीह ने इरशाद फरमाया है, 1 घंटे का मैसेज है, लेकिन 7 कलमात खादमी ने बयान करने होते हैं, 10 मिनट में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो भी है जैसे भी हम कोशिश करते हैं उसको बयान करने की। तो लोग सवाल करते हैं कि वो कैसे फरदोस में खुदावंद ने उसे कह दिया? तो मेरी बहन मेरे भाई, खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत और उनका मुर्दों में से जी उठने से पहले जो फरदोस थी वो कहां थी? जमीन के नीचे के इलाका में।
बाद में ऊपर चलेगी जब खुदा यीशु मसीह उन्हें आजाद करके ले गया कैदी रूहों को, तो फरदोस भी अपने साथ ले गया। सादा इसका मतलब यह है कि जहां मेरा और आपका खुदावन यीशु मसीह है वही फरदोस है। उसने क्या कहा कि आलम अरवा और फरदोस की कुंजियां किसके पास है? मेरे पास है। मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए हुए कोई खोल नहीं सकता। फरदोस का मालिक मेरा आका खुदावन यीशु मसीह है। जब खुदावन यीशु मसीह ने उस डाकू से कह दिया कि तू आज ही मेरे साथ फरदोस में होगा, तो इसका मतलब है कि उस फरदोस में ही है, क्योंकि जहां खुदावन यीशु मसीह है वो फरदोस ही है। फरदोस का मतलब क्या है? आराम, जहां कोई दुख नहीं, जहां कोई तकलीफ नहीं है, जहां खुदावन यीशु मसीह आपका चरवाहा है, जो आपका हाफिज और नासिर है, और जहां खुदावन यीशु मसीह मौजूद है वहीं फरदोस है। तो इसका जवाब यही है कि खुदावन यीशु मसीह जब गए तो वो क्या कह गए कि फरदोस को भी साथ ले गए। और पाकलामे लिखा है आलम अरवाह, एक लफ्ज है आलम अरवाह। आलम अरवाह का मतलब ये होता है कि रूहों की रहने की जगह, जहां रूहें रहती हैं। तो खुदावन यीशु मसीह की सलीबी, जैसे मैंने पहले अर्ज की, खुदावन यीशु मसीह की जो मौत और उनके जी उठने से पहले जो आलम अरवाह, जो ईमानदार भी रूहें थी वो भी जमीन के नीचे के इलाका में जाती थी, क्योंकि शैतान किसी भी रूह को ऊपर जाने नहीं देता था। इसलिए खुदावन यीशु मसीह जमीन के नीचे के इलाका में गए और वहां जाके कैदी रूहों में मुनादी की, और जब वापस गए तो उन कैदी रूहों को भी अपने साथ ले गए और फिरदौस को भी अपने साथ ले गए। जब किसी के पास भी, जब आपके पास टाइम हो तो जरूर आप इस हवाले को पढ़ सकते हैं। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की अंजील, उसका 16वां बाब और 19वीं से 31वीं आयत तक गरीब लाजर की कहानी, जब आप पूरी पढ़ेंगे गौर से तो आपको समझ आ जाएगी कि जब वो गरीब लाजर मरता है तो कहां जाता है? बाप अब्राहम की गोद में। और वो अमीर आदमी जो जाता है वो कहां जाता है? पाताल में जाता है, जहन्नम में जाता है। और उससे कहता है कि इसको जरा भेजो कि अपनी उंगली का सिरा डुबोकर मेरी जुबान पर लगाए ताकि मेरी जुबान खुश्क हो रही है। तो मुकद्दस अब्राहम ने क्या जवाब दिया? ऐसा मुमकिन नहीं है, हमारे और तुम्हारे दरमियान एक गड़ा है, ना कोई वहां से इस तरफ आ सकता है ना इस तरफ से वहां जा सकता है। उस गड़े को कहते हैं बॉटमलेस पिट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? म्यूजिक बजे सर, पता नहीं चलता। ओके सर, तो हासिल जमा ये है, खुदावंत के कलाम को जब इंसान बयान करता है तो वो भूल जाता है वक्त को। तो आप सबका शुक्रिया। बात यह है सादी सी कि जहां हमारा खुदावन यीशु मसीह है वहां फिरदौस है। मैं खुदा का खादम होते हुए आज सब अपने उन बहन भाइयों को जिन्होंने अभी तक अपनी जिंदगी खुदावन यीशु मसीह को नहीं दी, वो आज उनके लिए मौका है कि वो अपनी जिंदगी खुदावन यीशु मसीह को दें। और अगर खुदावन यीशु मसीह डाकू को हमेशा की जिंदगी दे सकते हैं तो आपको भी जरूर देगा। खुदावन आप सबको बरकत दे।